Hey everyone, welcome to my channel. I hope you all are well. स्वागत है आप सबका. आज हम बनाएंगे पराठे, टेस्टी पराठे, और वो भी किससे? रात की बची हुई दाल से. जी हाँ बिल्कुल. तो मैंने ली है इसके लिए घिया चने की दाल. रात को हमने घिया चने की दाल बनाई थी, तो जो इतनी बच गई है अब सुबह उसके हम पराठे बनाएंगे. इसके लिए मैंने एक अनियन ले लिया चॉप्ड, और मैंने धनिया की पत्ती और हरी मिर्च, एक हरी मिर्च ली है, उनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है. चलो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन. सबसे पहले मैंने एक बाउल में 2 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है. इसमें जो दाल थी वो हम डाल देंगे. आप कोई और सब्जी भी ले सकते हैं जो भी बची होगी घर में, जैसे कि और कोई दाल होगी. बाकी अब इसमें हम डालेंगे प्याज और धनिया पत्ता और हरी मिर्च. इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट. आप अपने स्वाद अनुसार डालिए जितना आपको डालना है. नमक कम ज्यादा कर सकते हैं आप. साथ में हम डालेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून. थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली है 1/4 टीस्पून. आप भी अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं. अब मैंने लिया है 1/2 टीस्पून ऑफ कैरम सीड्स, अजवाइन, जिसको हम हाथ में मसल के इसमें डालेंगे, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है. और अब हम इसको मिक्स करेंगे. एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे इसका. अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो इसमें तो आप पानी डाल सकते हैं. मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, दाल में ही आटा गून गया था. अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से ऑयल लगा देंगे, और इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर साइड में रख देंगे. 10 मिनट हो चुके हैं. चलो अब हम अपने पराठे बनाने स्टार्ट करते हैं. आटे की लोई ली मैंने, जितना आपको जितना साइज का पराठा चाहिए उसके हिसाब से ले लीजिए आप. इसको सूखा आटा लगाएंगे इसके ऊपर, हम रोल करेंगे इसको चकले पर. अब मैं इसमें बीच में देसी घी लगाऊंगी. देसी घी लगाने से बहुत ही एक तो सॉफ्ट बनेगा पराठा और साथ में क्रिस्पी भी हो जाएगा. बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा. ऐसे मैं ट्रायंगल शेप में पराठा बना रही हूँ, आपको जो शेप पसंद हो उसमें बना सकते हैं. आप चौरस भी बना सकते हैं या गोल बनाना है गोल बना सकते हैं. तो मैं ट्रायंगल शेप में पराठा बना रही हूँ. अच्छे से रोल कर लेंगे इसको. ये देखिए तवा गर्म हो चुका है. अब हम अपना पराठा डाल देंगे तवे पे. अब दूसरा पराठा बनाना शुरू कर देते हैं हम. टर्न कर लेंगे पराठे को एक तरफ से, जब थोड़ा सा सिक जाएगा. ये देखिए अब हम डालेंगे पराठे की एक साइड पे ऑयल या घी, जो भी आपको डालना है. आप देसी घी भी डाल सकते हो या ऑयल लगा सकते हो, जो भी आप लगाना चाहते हो. दोनों साइड लगाएंगे हम और इसको टर्न करते रहेंगे. स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से सेक लेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए. अच्छे से दोनों तरफ से सिक जाना चाहिए. देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, कितना बढ़िया और कितना टेस्टी दिख रहा है. ऐसे ही हम बाकी के भी सब पराठे बना लेंगे. ये देखिए कितने सुंदर कितने टेस्टी पराठे बने हैं. आप आम के अचार के साथ खाइए, नींबू के अचार के साथ, बहुत टेस्टी लगता है. अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.